असलम एवरी वन वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लिनिकल अनेटमी ऑफ एग्जीलडी लिम्फ नोड्स प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्जीलरी लिम्फ नोड्स को देखा था आज इसकी हम लोग देखेंगे क्लिनिकल एनेटमी सबसे पहले हमारे पास आ रही है द एग्जीलरी लिम्फ नोड्स ड्रेन लिम्फ नॉट ओनली दी ओनली फ्रॉम अपर लिम्फ बट ऑल्सो ब्रेस्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉडी वॉल्स अबव इम्ब्लाइकस जो एग्जीलरी लिम्फ नोड्स हैं सिर्फ वो अपर लिफ को ड्रेन नहीं करती बल्कि उसके साथ साथ ब्रेस्ट को और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल्स जो हैं जो हैं अबव इम्ब्लाइकस उसको भी ड्रेन करती हैं प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्जीलरी लिम्फ नोट्स को देखा था उसको डिटेल्ड समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो एक्जीलरी लिफ नोट्स के फाइव ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से एरिया को कौन कौन से पार्ट को ड्रेन कर रहे हैं ठीक है हमने फाइव ग्रुप्स ऑफ एक्जिलरी लिम्फ नोड्स पढ़े थे जिसमें से एंटीरियर जो थे वो एंटीरियर थोरेसिक वॉल को ड्रेन कर रहे थे पोस्टीरियर पोस्टीरियर वॉल को और उसके अलावा सेंट्रल एपिकल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेस्ट को भी ड्रेन कर रहे थे ठीक है सो so, उसके बाद है इन्फेक्शन और मैलिग्नेंट ग्रोथ इन एनी इन एनी पार्ट गिव राइज टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्जीलरी लिम्फ नोड्स ठीक है इसका मतलब ये है कि जो एग्जीलरी लिम्फैटिक वेसल्स और एग्जीलरी लिम्फ नोड्स हैं वो दूसरे पार्ट के एम्ब्लाइकस के उसके अलावा इंग, इंग्वाइनर रीजन में जो हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं उसके साथ इंटरकोनेक्ट होते हैं सो so, किसी भी पार्ट में अगर मेलिग्नेट ग्रोथ होने स्टार्ट हो गई है या कोई इन्फेक्शन है सो so, उसकी वजह से एक्जीलरी लिम्फ नोड्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है ठीक है इससे क्या होगा कि उस एरिया में स्वेलिंग हो सकती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली इसमें है कि लेफ़्ट जो एक्जीलरी लिम्फ नोड्स हैं लेफ्ट एक्जीलरी नोड्स टू बी पल्पेट पल्पेटेड बाय राइट हैंड जो हमारा राइट right हैंड है उससे हम लेफ़्ट जो है वो एक्जिलरी लिम्फ नोड्स को पलपेट कर सकते हैं और जो राइट एक्जिलरी नोड्स हैं लिम्फ नोड्स हैव टू पल्पेट बाय दी लेफ्ट हैंड सो so, जो लेफ़्ट साइड की हैं उसको हम राइट right से करेंगे और जो राइट हैंड राइट साइड की एक्जिलरी लिम्फ नोड्स हैं उसको हम लेफ्ट हैंड से पलपेट कर सकते हैं और अगर कोई स्वेलिंग होगी या मेलिग्नेंट ग्रोथ होगी उससे हमें आइडिया हो जाएगा इसको हम कहते हैं बाई मैनुअल एग्जामिनेशन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एक्जिलरी एपसेस ठीक है एपसेस शुड एग्जीटी एब्सैस शुड बी इन साइज थ्रू दी फ्लोर ऑफ एग्जिला एब्सैस होता है कोई भी पस या आ, कोई भी पस टाइप सेल्स जो हैं वो होने शुरू हो जाते हैं सो so, उसको अगर इसकी इंसियन करनी है उसको कट करके रिमूव करना है उस पस को या उस मटीरियल को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ठीक है सो so, उसको हम लोग कहाँ से इंसियन करेंगे फ्लोर ऑफ एक्जिला ठीक है एग्जिला की हमने सिक्स बाउंड्रीज पड़ी थी जिसमें हमारे पास आती थी अपैक्स so, है हमें floor of की. ठीक है? So, है ये इसकी बेस है ये मीडियल वॉल है ये लेटरल वॉल है सो so, जो फ्रंट पे है इंटीरियर और जो ये पीछे है हमें नज़र आ रही वो पोस्टीरियर है ठीक है सो so, हमें बेस यानी फ्लोर ऑफ एक्सिला की इंसीजन करनी है पस सेल्स यानी सेस को रिमूव करने के लिए और उसके अलावा मिड वे बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड हमने फ्लोर पे तो इन कर काट लिया है लेकिन किस एरिया के दरमियान एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स के दरमियान ठीक है नियर मीडियल वॉल इन ऑर्डर टू अवॉइड इंजरी ऑफ मेन वैसल्स मेन वैसल्स कौन सी होंगी इसमें एक्जीलरी आर्टरी एग्जीलरी वेन उसके अलावा ब्रेकेल प्लगजेस होगा ठीक है सो so, हमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोल्ड के दरमियान करना है बट मीडियली करना है यानी इस साइड को करना है बेस पर करना है और इस साइड को करना है बिकॉज हमारे पास जो मेन वेसल्स होती हैं वो लेटरली रन करती हैं मेन एक्जिलरी वेन और एक्जिलरी आर्टरी जब ऊपर से आएगी अपर लिम की तरफ सो so वो इस साइड को आएगी लेटरल साइड को आएगी ठीक है अगर इन करनी है फ्लोर पे तो हमें इन यहाँ करनी है मीडियल साइड पे इससे ये होगा कि जो वेसल्स होंगी एक्सिलरी वेसल्स हमारे पास आर्टरी वेन और ब्रेकल प्लगजेज और नर्व्स वो प्रिवेंट हो जाएंगी और ये हम इजीली परफॉर्म कर सकेंगे इफ़ यू अंडरस्टैंड दी वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग